प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चैत्र नवरात्र के पांचवें दिन आज बिलासपुर के रतनपुर में महामाया देवी के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में देवी मां की पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए कामना की। मुख्यमंत्री के साथ कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने भी देवी माता का आशीर्वाद लिया। मां माया के दर्शन करने के बाद प्रदेश के मुखिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मां शक्ति के अनेक स्वरूप मौजूद हैं, इसीलिए नवरात्रि के समय में मां के दर्शन की महत्व और भी अधिक हो जाती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और 1 मार्च के दौरान भगवान राम ने अपने सबसे अधिक समय छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर निवास किया था, इसीलिए प्रदेश सरकार द्वारा राम वन गमन पथ की स्थापना की जा रही है और आगामी समय में इसके कार्यक्रम में भी वे शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की महामाया के दर्शन के दौरान सिद्ध शक्तिपीठ महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आशीष सी ठाकुर, कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग, कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर, SP पारुल माथुर सहित बड़ी संख्या में दर्शनार्थी एवं भक्तगण उपस्थित रहे। शारदीय नवरात्रि हो या चैत्र नवरात्रि, हर समय लाखों श्रद्धालु हमारे जितने भी देवी जहाँ की स्थापना हुई है, चाहे वो दंतेश्वरी हो, चाहे बमलेश्वरी हो, चाहे रतनपुर की महामाया हो, बिलई माता हो, कल्लारी, तो सभी जगह हमारे यहाँ माता विराजी हैं और लाखों श्रद्धालु आके दर्शन करते हैं, जो जलाते हैं, मनोकामना कर रखते हैं। मैं ईश्वर से माता जी से यही प्रार्थना की सबकी मनोकामना पूरी करे और छत्तीसगढ़ में सुख शांति समृद्धि आए। अच्छा लगा। देखिए अयोध्या जहाँ भगवान राम के जन्म स्थल है और वो एक अलग स्थान है, दूसरा जहाँ राम वनगमन पथ मतलब पूरा जब उनको वनवास हुआ तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में, और महत्व इसलिए भी है कि ये उनका मामा घर है, तो माता कौशल्या का मायके, और इसलिए छत्तीसगढ़ अपना विशेष स्थान है और इसलिए हमने चंदपुरी के साथ साथ श्री नारायण और 9 स्थानों को इस साल डेवलप करने का निश्चय किया है। तो उसमें दूसरे नंबर पे श्री नारायण का मैं 8, 9, 10 तारीख को 3 दिन कार्यक्रम है, 10 तारीख जाऊँगा।